ये चुनाव आयोग ने सभी के नेशनल और रीजनल पार्टी को बुलाया, आप लोग आए, उन्होंने अपनी बात रखी, लगातार अभी बात जारी है, क्या कहना चाहूँगा? जो प्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसमें बहुत संभावना दिखती नहीं है कि बहुत टेम्पर किया जा सकता है, लेकिन मैं टेक्निकल आदमी हूं नहीं जिसमें डिटेल बता सकूं आपको, लेकिन हमारी पार्टी ईवीएम के पक्ष में है और जो इलेक्शन कमिश्नर ने अभी बताया कि आगे आने वाला जो भी असेंबली का चुनाव है या पार्लियामेंट 2019 का चुनाव होगा वो वीवीपैट पे होगा, तो वो फर्दर और इसमें इम्प्रूवमेंट की बात है तो बिल्कुल उसके पक्ष में है। हमारी पार्टी बैलेट से चुनाव हो इसके पक्ष में नहीं है। मैंने बताया कि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, जो इलेक्शन कमीशन ने अभी पूरा प्रेजेंटेशन दिया उसमें संभावना नहीं दिखती है कि टेम्परिंग हो सकता है। और हम लोग बिहार में देख चुके हैं कि बैलेट से चुनाव कराने में कभी भी फेयर चुनाव बिहार में नहीं हुआ, 10 बजे बूथ लूट के चुनाव खत्म हो जाता था, किसी गरीब दलित पिछड़े को वोट नहीं दिया जाता था, कितना सीरियल और फिल्म कौन एक रिपोर्टर थी, कितना रिपोर्टर जाते थे कवर करने के लिए, बूथ कैसे लूटा जाता, कितने एक्सपर्ट होते थे, बूथ लूटने का फिक्स पैसा होता था, तो बिहार उस दौर से गुजर चुका है, उस दौर में ले जाएं क्या उसको, इसलिए हम लोग उसके पक्ष में नहीं, हम लोग ईवीएम के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं जदयू स्पष्ट कर रहा है कि ईवीएम के पक्ष में है, ईवीएम के पक्ष में है, पक्ष में है, पक्ष में। और आगे जो आने वाला जो उन्होंने कहा है वीवीपैट, वो फर्दर अगर कहीं शंका भी कहीं हो रही है तो वो शंका 100% दूर हो जाएगा जैसा उन्होंने बताया उसमें, तो आगे जो भी चुनाव है वो वीवीपैट से बीएसपी कह रही है, जैसे कि कांग्रेस कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बैलेट पेपर ही सबसे सेफ है। मैंने अपना पार्टी का बात मैं आपको कह सकता हूँ, अभी 2015 चुनाव भी हम लोगों ने बिहार में देखा है, रिजल्ट आपके सामने में है, हम लोग उसके पक्ष में। धन्यवाद।